हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर चैनल एच बी ऑनलाइन क्लासेस। अपन सी जी ओपन स्टेट क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड फाइव ईयर रिकॉर्ड्स जो अनसॉल्व जो पेपर होता है, जो 2016, 17, 18, 19, 20, ये 5 साल के जो रिकॉर्ड है और मॉडल पेपर है, इससे इस क्वेश्चन एंड आंसर को बनाया गया है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, ये जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम में जो ओपन परीक्षा दिला रहे होंगे उन विद्यार्थियों के लिए है, है ना। क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर दोनों है दोस्तों। 5 साल का रिकॉर्ड है पूरा, और प्लस जो मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है बोर्ड के द्वारा, ये सभी को मिलाकर मैंने इसको बनाया है। इसमें 101% आपका 70 नंबर का क्वेश्चन फंसना है। वार्षिक यदि एनुअल एग्जाम होता है तो इससे अगर पढ़कर आप चले जाते हैं तो और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा रीड करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को देखना है और आपको PDF फाइल डाउनलोड कर लेना है। PDF जो है एक दिन के बाद अवेलेबल होगा, उस पर काम चल रहा है। तो देखते हैं, आइए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सेक्शन 1 ए राइट द करेक्ट ऑप्शन, है ना, सॉल्व करते जाते हैं। देखिए, आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैं इसमें इंफॉर्मेशन देते रहूँगा, बहुत सारी बातों और बहुत सारी जानकारियाँ देने हैं मुझे। हु फर्स्ट यूज द वर्ड स्टेट, तो मार्क वैली आएगा इसमें। अदर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव ए स्टेट लाइक, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। इन विच कंट्री डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950 आंसर है। व्हाट सिटीजन इज द यूनाइटेड स्टेट्स, दोहरी, है ना। इन विच हाउस कैन द प्रेसिडेंट्स मोशन बी पुट आएगा यहाँ पर। इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेडेड बाई द प्रेसिडेंट, यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को बीच बीच में दे दिया है। सेकेंड में चीफ मिनिस्टर आएगा, थर्ड में हाफ आएगा, फोर्थ में सिंपल मेजॉरिटी आएगा, फाइव में सेम आएगा। क्लास ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पर। गवर्नमेंट कैन ईजली पब्लिक ओपिनियन ओनली, यहाँ पर फॉल्स या अनट्रू लिख सकते हैं। कंस्टिट्यूशन डज नॉट आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनट्रूथ। थर्ड में अनट्रू आएगा, फोर्थ में अनट्रू यानी फॉल्स आएगा, फाइव में ट्रूथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास डी एड एप्रोप्रिएट रिलेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट इस दिया गया है। यहाँ पर सीधे सीधे आंसर देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आंसर आएगा आपका बाय द प्रेसिडेंट। सेकेंड है पब्लिक सर्विस कमीशन वन पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट, BDO मेन फंक्शन डेवलपमेंट, ऑर्गेन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट 6 पार्ट, CTBT डिक्लेरेशन फॉर्म यूनिट 1969। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 30 आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 2, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन ए रिगिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, आप नोट कर लीजिएगा PDF से। डिफरेंस बिटवीन ए रिगिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ए ग्रिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल प्रोसीड्यूर्स, वाइल ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन इन विच अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इजली। क्वेश्चन 3 है हु अपॉइंट्स द गवर्नर, इसके साथ साथ मैंने अदर क्वेश्चन भी
सबसे नीचे के लिंक में दिया है, इसी में पीडीएफ में सबसे आखिरी में अदर क्वेश्चन भी दिया है, उसकी तैयारी करना है आपको। आपको 80 मार्क्स की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी यदि आप इसको अच्छे से रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, और वीडियो को बार बार आपको सुनना है, देखना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, 2 से 3 लाइन में आपको आंसर देने हैं, वो सबका आंसर दिया गया है ना। राइट द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म की मीनिंग देना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ कैरेक्टर अरेंजमेंट, ये सारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। राइट द नेम्स ऑफ द सुपर पावर्स, सुपर पावर्स है अमेरिका, रूस एंड जापान। राइट टू टास्क ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। राइट द मीनिंग ऑफ, मीनिंग देना है यहाँ पर। क्वेश्चन 14 है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, तो ये डिफरेंस दिया गया है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। साथ ही साथ मैंने अदर क्वेश्चन जो बनाया है दोस्तों उसको भी दिखा देता हूँ आपको, उसका लिंक इसी में है नीचे में। आपको पूरे इसको एक्सप्लेनेशन के साथ यदि स्टडी करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो और इसके लिए बना दूंगा। मैं सिर्फ इसकी जानकारी के लिए, मॉडल प्रश्न पेपर सब बच्चों को पता चलना चाहिए इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ताकि सबको पता होना चाहिए कि चाहे हमारे या SBI ऑनलाइन क्लासेस में है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड 2016 to 2020, टोटल 5 ईयर रिकॉर्ड्स, आंसर इन वच 1 ईयर सेंटेंस। हु कॉल्ड मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका आपको इसको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा। हु कॉल्ड मास्टर ऑफ एरिस्टोटल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड ग्रेट पॉलिटिकल वैल्यू फ्रीडम इक्वलिटी ब्रदरहुड। व्हाट वाज द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 14% आ गया यहाँ पर। व्हेन डिड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिगिन, 1986। ए वेलफेयर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, वेलफेयर आएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है, कैन डिजॉल्व द लोकसभा द प्रेसिडेंट, ये आएगा लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द बजट इज प्रपोज्ड ओनली इन द लोकसभा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन 1930। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1945, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया 29। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 5। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट डिड गांधीजी एडवोकेट राम राज्य। क्वेश्चन 16, मैक्सिमम इज ए रिएक्शन अगेंस्ट होम कैपिटलिज्म, व्हाट इज ए लिबरल इकोनॉमी लाइक कैपिटलिज्म। 19, इन इंडिया द जमींदारी सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, द प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट मोशन कैन बी प्लेस्ड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बी 552। अफ्रीकन एशियन कॉन्फ्रेंस इन 1955, यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर, UNO पर्पस पीस एंड सिक्योरिटी, मेंबर नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ जस्टिस 11, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट 1947, ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इज आल्सो नोन एज कॉमन मेजोरिटी सिस्टम, ट्रूथ है
द मिनिमम एज ऑफ वोटर इन इंडिया इज 18 ईयर ट्रूथ है। क्लीन गवर्नेंस कैन बी अचीव्ड क्रॉस पीपल्स पार्टिसिपेशन ट्रूथ है। पॉपुलेशन इन केरला ट्रूथ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है ना। यदि आप इतने की अच्छे से स्टडी करते हैं तो 101% आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण पास हो सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका स्टडी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ है इसमें। ठीक है, सब्सक्राइबर ध्यान दें, जिन लोग चैनल सब्सक्राइब किए हुए बेल आइकॉन बटन नहीं दबाए हैं जिसके कारण वे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। इसलिए सब्सक्राइब किए हुए जो स्टूडेंट है वे चैनल के बेल आइकॉन बटन को पुश कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओपन एग्ज़ाम रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर दिया जाता है ना। धन्यवाद।